दिल्ली NCR में ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। दिल्ली में कोल्ड डे जैसी स्थिति जारी रहेगी। 28-29 जनवरी से शीतलहर की स्थितियां बनने का अनुमान है। IMD ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने चेताया है कि फ्लू, नाक बहने या नाक से खून आने जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। वहीं आज की बात करें तो सुबह की शुरुआत घने कोहरे की चादर के साथ हुई। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर शीतलहर का प्रभाव रहेगा। अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता पहले की तरह खराब है। CPCB के एयर बुलेटिन के अनुसार राजधानी का AQI 202 रहा। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर तय मानकों के अंदर रहा। इनमें अलीपुर, शादीपुर, द्वारका, सिरीफोर्ट, मंदिर मार्ग, आयानगर, लोधी रोड, मथुरा रोड, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सोनिया विहार, नजफगढ़, दिलशाद गार्डन शामिल रहे। वहीं NCR में भी हवा पहले के मुकाबले काफी साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।